हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम MSRTC के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपको ना पता हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर एक, महाराष्ट्र में बस सर्विस 1948 में बॉम्बे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नाम से शुरू हुई। फैक्ट नंबर दो, पहली बस नगर से पुणे के बीच 9 पैसे किराए पे 30 पैसेंजर के साथ चलाई गई थी। फैक्ट नंबर थ्री, नीलकमल और गिरेरोही नामक दो लग्जरी बसेस पहली बार 1950 में पुणे से महाबलेश्वर के बीच चलाई गई। फैक्ट नंबर चार, 1960 में महाराष्ट्र राज्य बनने के बाद सरकार ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल संस्था की स्थापना की। फैक्ट नंबर पाँच, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। फैक्ट नंबर छः, 1960 में ही बसेस में लकड़ियों की जगह स्टील और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होने लगा। फैक्ट नंबर सात, MSRTC ने 1968 में पहली बार रात रानी बस सर्विस की शुरुआत की। फैक्ट नंबर आठ, 1982 MSRTC ने आशियन गेम के दौरान सेमी लग्जरी बस का निर्माण किया, जिसे हम आज एशियड बस या हिरकनी बस के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर नौ, MSRTC ने अपनी बसेस खुद ही टाटा और अशोक लेलैंड कंपनी के चेसिस पर औरंगाबाद पुणे नागपुर में स्थित वर्कशॉप में बनाती है। फैक्ट नंबर टेन, MSRTC साल में औसतन 20,000 से ज़्यादा बसेस का निर्माण करती है। फैक्ट नंबर 11, MSRTC के पास कुल 32 डिविजनल वर्कशॉप है। फैक्ट नंबर 12, MSRTC ने 2015 में ऑफिशियली शिवनेरी बस लॉन्च की। MSRTC ने 2016 में ऑफिशियली शिवशाही बस लॉन्च की। फैक्ट नंबर 12, MSRTC ने 2018 में मिठाई बसेस और 2019 में नॉन AC स्लीपर कम सीटर बसेस की शुरुआत की। फैक्ट नंबर 13, 2020 में MSRTC ने मालवाहक बस सर्विस की शुरुआत की। फैक्ट नंबर 14, MSRTC में आज कुल 18,500 बसेस, 1,07,000 कर्मचारी और कार्यकाल पूरा करते हैं। 265 बस डिपो है, जिससे औसतन 80 लाख से 1 करोड़ लोग सफ़र करते हैं और MSRTC औसतन 4,370 करोड़ रुपए कमाती है, जिसमें से नेट प्रॉफिट 70 करोड़ का है। यही कुछ MSRTC के बारे में फैक्ट्स थी। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।